आर्टिस्ट हूँ। मेरी आर्ट की जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी और मैं अपने फादर को देख के बहुत इंस्पायर था और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था और पेंटिंग्स बनाता था एंड ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट इसमें ग्रो हुआ। और स्कूल के बाद फिर मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज में जाके अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्रोसीड की। उस तभी उसके फिनिश करने के बाद मैंने कमर्शियल वर्क्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया क्योंकि एक फाइनेंशियल मेरे को सपोर्ट चाहिए। कमर्शियल वर्क्स को मैंने अपनी एक एजुकेशन की तरह लिया क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनको जो भी पेंटिंग्स देते हैं हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क्स, और उनको प्रैक्टिस करते करते मैं साथ में अपना थोड़ा थोड़ा वर्क अपने लिए भी करता था जिसमें मैंने पेन ड्राइंग्स बनानी शुरू करी एंड देन ग्रेजुअली मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स रहे जिन्होंने मेरे को फ्रीडम दिया मेरे वर्क के लिए। देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद सम एब्स्ट्रैक्ट्स और ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट्स अभी आप देख रहे हैं ये सारे मेरे 2 से 3 साल के बीच में मैंने ये बनाने शुरू किए। और उसके बाद मेरे को वाटर कलर में इंटरेस्ट आया तो मैंने अभी उसमें मैं प्ले कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा। मेरा स्टार्टिंग में मैं सबसे ज़्यादा पेंसिल ड्राइंग्स बनाना पसंद करता था और छुट्टियों में जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ घूमने के लिए जाते थे सबको बिठा के उनके पोर्ट्रेट्स बनाता था। वहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट एज आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल एंड आई वांट टू लर्न मोर। तो ये कुछ एक उस ड्राइंग का एग्जांपल है बट ये काफ़ी लेटर स्टेज के हैं। पहली जो ड्राइंग्स थी बहुत वीक होती थी बट ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव किया एंड देन उसके बाद मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग मीडियम लगा वो पेन एंड इंक का था और स्कूल टाइम से मैं उस तरह के ड्राइंग्स को वर्क कर रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी पुरानी ड्राइंग है मेरी 2013 की और ये कुछ नए वर्क्स में से है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली ये मीडियम मैं जाके कहीं से ढूंढ नहीं है, इनको घर में ही मिल गया। तो मेरे फादर जो थे वो ये मटेरियल्स यूज़ करते थे तो उनसे परमिशन लेके एक ड्राइंग मैंने बना के देखी छोटी और उस छोटी ड्राइंग को बनाने के बाद उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने कहा उसको बड़ा एक ड्राइंग बना के देखो। तो वो अराउंड एक इतना बड़ा साइज़ का एक और ड्राइंग था जो मैंने बनाया था और उसका टाइटल मैंने एंडलेस ड्रीम रखा था। अभी फ़िलहाल मेरे पास उसका इमेज नहीं है, वो पेंटिंग म्यूज़ियम चंडीगढ़ म्यूज़ियम में मैंने सेल किया था, उनको बहुत पसंद आया था तो इट्स इन देयर कलेक्शन नाउ। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ड्राइंग ये वाली करनी शुरू की। इसमें 2009 में जब सुनामी आई थी और जापान के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी तो उस टाइम पे मैंने इसमें ये एक एक्सप्लोजन का एलिमेंट डालना शुरू किया और ये वेव्स बनानी शुरू की और वेव्स के ऊपर लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। धीरे धीरे करके जब लेटर स्टेज में हैदराबाद शिफ्ट हुआ था और उस साल मेरे दादी एक्सपायर हुए थे तो तब भी मैं इस ड्राइंग पे वर्क करता रहता था। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई अपनी ग्रैंड मदर की, तो रोज़ सुबह एक बाल्टी उठा के लेके जाते थे और इसी तरीके से छोटे छोटे टाइम टू टाइम मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता गया तो काफ़ी लंबी जर्नी के ये पेंटिंग मेरे साथ रह गया एंड इसीलिए मेरे लिए बहुत पर्सनल है। और उसके बाद फिर मैंने नई ड्राइंग्स भी स्टार्ट करी। इसमें ये एक ड्राइंग है जिसको मैंने टाइटल दिया है 1 और इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक ही हैं। मतलब समटाइम्स हमको लगता है कि हम सिर्फ इंसानों से कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन हम जानवरों से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंसानों से भी बेहतर। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेरों के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं और समटाइम्स बहुत ही एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है। सो आई ट्राई टू डिस्क्राइब उसमें मैंने नेचर के एलिमेंट्स बनाए हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बनाए हैं, माउंटेन्स एंड रिवर्स, देयर्स एन इंप्रेशन ऑफ एन एलिफेंट हियर, देयर्स अ टेल दैट वी हैव इवॉल्व्ड अलोंग। हमारा जो बॉडी है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, ओवर द टाइम डेवलप हुआ है हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे माइंड के साथ। और एक ये वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए, इनका म्यूजिक सुनते हुए मैंने बहुत काम किया है, रियली इंस्पायर्ड बाई हिम एंड उनके एक शो में मैं गया था तो ये ड्राइंग बना के लेके गया था। आई वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम बट मैं भी जब मौका मिलेगा तो ज़रूर उनको देना चाहूँगा ये ड्राइंग। और ये मेरे
एब्स्ट्रैक्ट वर्क है, इसको टाइटल मैंने दिया है ऑटोमेटिक मेंटेड, सिंपली ऑटोमेटिक, बिकॉज ये पेंटिंग्स बहुत स्पॉन्टेनियस है. ये सभी पेंटिंग्स सेम स्टाइल में हैं, दे आर वेरी क्विक एंड इन द मीडियम ऑफ एक्रेलिक ऑन कैनवास. और ये एक सिटी स्केप मैंने ट्राई किया, उसमें मैंने गोल्ड लीफ का यूज़ किया, वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ट्राई की मैं अपनी आर्ट वर्क में जितना ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल कर सकूँ उतना करता हूँ. और ये कुछ वर्क्स हैं, दिस आर वेरी सिंपलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स, मोस्टली फोकसिंग ओनली ऑन कलर्स. तो उसमें फॉर्म मैंने बहुत सिंपल रखा है, मिनिमम मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन कलर. आई कॉल दिस रेड मून. And I have this work. It's a very subtle textural work. This is also acrylic on canvas. This I did an experiment. This is also acrylic and some use of gold leaf. I really am fond of this color combination, the gold leaf and the turquoise. ऐसे ही सिमिलर एक और पेंटिंग मैं कर सकता हूँ. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ वाटर कलर्स दैट आई मेड, एंड वाटर कलर इज़ अ वेरी टफ मीडियम, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ा मैं बिल्कुल टच नहीं करता था वाटर कलर. बट रिसेंटली समबडी गेव मी कॉन्फिडेंस दैट यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड इट हैज़ अ वेरी गुड फ्लो एंड स्पॉन्टेनिटी. सो I started experimenting 3 months back. I started making these collection, and I don't know how, but it's I'm really enjoying this medium. So I'm gonna do more work with the watercolors. We have this one. I really like the flowers here. And this was the first watercolor that I tried. Call it winter leaf. We have this. But my favorite are these two. Coming here and experiencing my paintings. And these are some of my abstract works. I have almost like 5 series of these paintings. And this is, I call this the Tree of Wishes. And this one is Beach. It's more about the colors and very simplistic, just the blue, and the cerulean blue is the main color in this composition. मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ. मेरा बेटा शशांक वो भी एक आर्टिस्ट है, और हम लोग मिलके पेंटिंग्स करते हैं. आज उसका जहांगीर आर्ट गैलरी में पहला सोलो शो है, और इसमें थोड़ी सी जब ये पेंटिंग कर रहा था शशांक कि ये सब नहीं बनाया, ये सब बाद में डेवलप, पहले सिर्फ फ्लैट सरफेस में रंगों के साथ प्ले किया और उसके बाद फिर विचार आया कि इसको
डिवाइड करते हैं, स्पेस को डिवीजन करते हैं इसका। तो दिमाग में था जैसे लाइट कहीं से निकल के कहीं चली जाती है, लाइट तो थ्रू लाइट, लाइट की जर्नी जैसा कुछ दिखाते हैं यहाँ पर। आपने कभी देखा होगा सर्कस की लाइट होती है ना, जब दिखाई देती है आसमान में, मूव करती है इधर से उधर, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके चार पेजेस कुछ डेवलप की। और बेसिकली ये जो पेंटिंग्स हैं स्पेक्ट्रम, जो सात रंग होते हैं रोशनी के, वो दिमाग में थे कि सात रंगों को लेके एक काम करना है इस तरह का कि हर रंग अपने आप में एक अलग रंग है, लेकिन उसमें और रंग भी अगर शामिल हो जाए और उसके बाद भी उस कलर की आइडेंटिटी बनी रहे। जैसे ये ब्लू थीम पर है, लेकिन आपको ब्लू के अलावा यहाँ पर ग्रीन भी दिखाई देगा, आपको यहाँ वायलेट पिंक दूसरे शेड्स दिखाई देंगे, वाइट दिखाई देगा, कहीं कहीं डार्क ब्लू ब्लैक भी। लेकिन आप जब थोड़ा सा दूर से आगे देखेंगे इस पेंटिंग को, आपको ओवरऑल ब्लू इफेक्ट दिखाई देगा पूरी पेंटिंग। इसी तरह से ये ऑरेंज थीम को लेके, ये भी ऑरेंज है लेकिन इसमें ग्रीन भी है, ब्राउन और चॉकलेट कलर भी, येलो भी, ये भी ऑरेंज थीम को, येलो थीम। अब दूसरी साइड जाएंगे वहाँ पे रेड कलर आपको मिलेंगे देखने, रेड कलर, लेकिन इसमें ग्रीन भी थी, वो पेंटिंग यहाँ नहीं है इस फिल्म में, ग्रीन में भी बनाई थी उसने पेंटिंग। वातावरण पहले से ही था पेंटिंग का, मैं करता था पेंटिंग। मुझे जो सबसे पहला वाकया याद है, बहुत छोटा था तो मैं कुछ पेंटिंग्स कर रहा था, मैं बीच में छोड़ के चला गया उन पेंटिंग्स को, एक दो घंटे बाद आया तो मेरे कलर्स देखे शशांक ने उन पेंटिंग पे काम किया, तो रेड कलर दिया उसने और सब पेंटिंग्स पर जहाँ उसका मन किया उसने रेड कलर लगा दिया, जगह जगह रेड कलर लगा दिया। बहुत छोटा था, शायद डेढ़ या दो साल का रहा होगा, और मुझे लगा मेरा नुकसान हो गया, सारी पेंटिंग्स ख़राब कर दी इसने, लेकिन छोटा इतना था मुझे गुस्सा आया, मैं थोड़ा उसकी तरफ डांटने के लिए गया, तो उसने मेरी तरफ जब देखा बड़े भोलेपन और मायूसी से कि इनोसेंट होता है ना छोटा बच्चा, तो जानबूझ के तो कुछ नहीं करता, मैं रंग जो छोड़े थे मैं ही छोड़ के आया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये जो सबसे पुरानी मुझे याद है, जो शशांक का रंगों से खेलने वाला जो एक परिचय था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ कि पापा मैं भी कर लूँ, मैं बोलता हाँ कर लूँ, वो मेरे से ब्रश लेके या, लेकिन मैं उसको कहता कि अपने मेरे के काम पे अपना काम मत करो, अपने अलग से पेपर लेके उसके ऊपर काम करो। मैं उसको पेपर देता, कलर्स देता, प्ले करता उसको, और जो भी वो करता था उस वक्त एब्स्ट्रैक्ट ही होता था, मतलब उसमें कोई रंगों के साथ खेलता था सिर्फ, जहाँ जो मन आया वहाँ कर दिया। वो चीज़ आप इन पेंटिंग्स में अभी भी देखेंगे, जहाँ से शुरुआत हुई थी वो सेंस यहाँ पे अभी भी मौजूद है, एक बचपन वाली जो फीलिंग होती है कि कुछ रंगों को लेके खेलना है, कुछ पेंट करना है। फिर धीरे धीरे स्कूल गया, पढ़ाई शुरू हुई, इंटरेस्ट कम होने लगा धीरे धीरे उसका, और बीच में उसने छोड़ दिया था ऑलमोस्ट ये पेंटिंग्स का। फिर जब वो नाइन्थ क्लास में आया तब उसमें मैंने एक दिन देखा वो ड्राइंग कर रहा है, कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगा कि शायद इसको शायद फिर से इंटरेस्ट आ गया है काम में, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पर, सिर्फ देख कर के आ गया। फिर जब वो ड्राइंग कंप्लीट हुई उसने मेरे को ला के दिखाई कि पापा मैंने ये बोला, ये बड़ा अच्छा लगा, और उसने काफ़ी परफेक्शन के साथ किया था। तब मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है और तुम लग जाओ इसमें, और मज़ा आया ना काम करने में, कहा बहुत मज़ा आया।
उसके बाद उसने जो ह्यूमन फॉर्म्स हैं सबसे पहले उस पर वर्क करना शुरू किया, ड्राइंग्स बनानी शुरू करी। शुरुआत उसकी मतलब काफ़ी सदी हुई थी, बहुत परफेक्शन के साथ करता था और समय देता था। मतलब एक ह्यूमन फिगर में जो ड्राइंग करते वक्त फॉर्म्स हैं, उसकी मसल्स हैं और उसकी जो ह्यूमन बॉडी की जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है उसको बहुत अच्छे ढंग से और टाइम देकर फोटो फिनिश करता था। तो शुरुआत इस तरह से हुई। उसके बाद मैं थोड़ा कमर्शियल वर्क करता था, स्क्रीन पेंटिंग के लिए कुछ डिज़ाइनिंग करता था। एक पॉलिएस्टर फिल्म होती है उसके ऊपर, और उसमें एक पेन होता है बहुत, आपको दिखाता हूँ एक बार वो पेन। आप आइए, इसको रैपिडोग्राफ बोलते हैं और ये कंपनी का नाम देख रहे हैं आप, रोटरिंग, रोटरिंग पेन और 0.1 mm इसकी ये थिकनेस है पेन की। और इसमें से जो इंक निकलती है, थोड़ा पेन को ऐसे हिलाते हैं और फिर आप देखिए इंक निकलना शुरू होती है इसमें से। इस पेन को खड़े होके चलाना होता है ऐसे, इसको अगर हम टेढ़ा करते हैं तो इसकी जो एजेस होती हैं वो इतनी शार्प होती हैं कि वो जिस फिल्म के ऊपर हम इसको ड्रॉ करते हैं इससे उसको स्क्रैच करना शुरू कर देती है, खुरचना शुरू कर देती है। तो ये पेन टेढ़ा नहीं चलाया जा सकता, सीधा ही चलाना पड़ता है और फिल्म को ऐसे लिटा के रखना पड़ता है। और इधर शशांक ने ये ड्राइंग इस पेन से बनाई और इसको इस तरह खड़े करके, जबकि इस पेन को खड़े करके चलाना पॉसिबल। इस तरह से पेन प्रैक्टिस की चलाने की, इंक तो निकले इसमें लेकिन इसकी जो एज है वो टच ना हो, मतलब इतना सेंसिटिव रखना पड़ता है कि इंक तो निकले लेकिन वो पॉलिएस्टर की जो फिल्म है उस पर स्क्रैच, क्योंकि स्क्रैच पड़ेगा तो वो डैमेज हो जाएगी, दोबारा जब चलाएंगे तो चलेगा नहीं। और इसमें अगर थोड़ी देर के लिए भी हम काम करने को रोक देते हैं तो इंक टिप से सूख जाती है, तो झटका देना पड़ता है ऐसे करके, फिर इंक को वापस लाने का वेट करना पड़ता है तब इंक निकल के आता है। तो ये जो प्रोसीजर है इस पेंटिंग को बनाने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी पेंटिंग देखते हैं 11th या 12th में पढ़ता था, वहाँ से स्टार्ट की थी इसने पेंटिंग 2009 और ये पेंटिंग 2023 में आके कंप्लीट हुई, 14 साल लिए इस पेंटिंग ने कंप्लीट। एक पेंटिंग इससे पहले बनाई थी उसने शायद 7th या 8th क्लास में, उसको भी 3-4 साल लगे थे कंप्लीट करने में, वो इससे पहले बनाई थी। उस पेंटिंग को नेशनल अवार्ड मिले, हिमाचल स्टेट म्यूजियम की एक एग्जीबिशन होती है शिमला में नेशनल एग्जीबिशन, वहाँ का उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ में म्यूजियम है, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, उन्होंने उस पेंटिंग को परचेज कर लिया, वहाँ पे उनके कलेक्शन में है इसी साइज में। तो ये सेकंड, मतलब सेकंड स्टेप है, सबसे पहले पेंसिल ड्राइंग्स, उसके बाद इंक की ड्राइंग्स, फिर धीरे 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 पेंसिल ड्राइंग्स, वापस पेंसिल ड्राइंग उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन अब पेंसिल चेंज हो चुकी थी, पहले ग्रेफाइट पेंसिल में ड्राइंग करता था शशि, उसके बाद उसने कोहिनूर करके कंपनी है जो सॉफ्ट पेंसिल बनाती है, पेंसिल की जो लेड है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि जब छीलते हैं उसको तो छीलने में भी अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई है तो टूट जाती है पेंसिल लेड।
तो इसमें भी बड़े ध्यान से काम करना होता है, हाथ को सॉफ्ट रखना होता है, बिल्कुल जैसे चारकोल पेंसिल होती है उसी तरह की। बस फर्क ये चारकोल ब्लैक होती है और ये ब्राउन पेंसिल, तो इसको ड्राइंग करना अंगूठे से या फिर ब्रश से स्मज करके इसमें शेड्स देना, तो यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। और उसके बाद पोर्ट्रेट्स, लाइव पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए, और लाइव पोर्ट्रेट्स के बाद ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक मीडियम काम स्टार्ट किए। जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी स्पेक्ट्रम थीम पर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 रंग होते हैं। तो हर रंग को लेकर के लाइट की कैसी जर्नी होती है और कैसे इफेक्ट्स, उस पर काम। फिर इसके बाद वाटर कलर मीडियम में काम करना शुरू किया। शशांक दर्शक, इसने काफ़ी समय पहाड़ों में गुजारा है पढ़ाई के दौरान, मसूरी से इसने ट्वेल्थ किया था। तो वाटर कलर में करने में इसको थोड़ा सा पहले हेजिटेशन हो गई, क्योंकि वाटर कलर जो मीडियम है वो सबसे टफ मीडियम है। स्टार्ट किया, मैंने कहा जब दिल करे खेलो, रंगों के साथ खेलो, और काफ़ी कुछ देख चुके हो, कोई फोटोग्राफ अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट कोई नकल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से बनाओ, अपनी इमेजिनेशन से। मैंने सिर्फ सलाह दी तो उसमें फ्रीडम ज़्यादा रहेगी, कुछ गलत भी बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार प्ले करना शुरू करो। तो उस वक्त जब बातचीत हुई कुछ नहीं हुआ ऐसा, अभी करीब समझो 3-4 महीने पहले एक वाटर कलर मैंने देखा शशांक काम कर रहा है। दरअसल आर्टिस्ट के मूड की बात है, हम लोग सलाह दे सकते हैं आर्टिस्ट, लेकिन आर्टिस्ट काम काम करके करे क्योंकि दिल से इच्छा जागी। इसके माइंड में कहीं ना कहीं था मुझे वाटर कलर करना, लेकिन उस वक्त शुरू नहीं हुआ जिस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, उसके मतलब काफ़ी टाइम बाद शुरू हुआ, फिर हो सकता है 2-3 साल बाद शुरू हुआ। लेकिन जब स्टार्ट किया उनको देख के दंग रह गया, रिजल्ट देख के, कि ये तो बहुत अद्भुत है। अब ये तो ध्यान नहीं है मुझे, सबसे पहला वाटर कौन सा, वाटर कलर कौन सा किया था वो तो मुझे याद नहीं है इसमें से। फोटो रियलिज्म की तरफ जाते हैं या फिर आपका ये एकेडमिक वर्क करते हैं या कोई सीनरी है उसको हूबहू बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हाथ थोड़ा सा, हाथ का फ्लो रुक जाता है। लेकिन अगर दिमाग में ऐसा कुछ ना हो कि जैसा आकार है बिल्कुल वैसा ही बनाना है, तो उस तरह की आर्ट को हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रेशन देना है, कि लगना चाहिए कि कुछ छुपा हुआ सा है इसमें, पेड़ तो नहीं है लेकिन पेड़ दिखाई दे रहा है, कि सोच के नहीं बनाया कि यहाँ पे पेड़ है, लेकिन जब बन जाते हैं तो नज़र आता है, ये सोच के नहीं बनाया कि अब बादल या पहाड़ बना, लेकिन जब बन जाते हैं तो उसके बाद नज़र आना शुरू होता है कि हाँ यहाँ पे बादल भी और यहाँ पे पहाड़, क्योंकि पहले से ही हमारे माइंड में हम ये सब कुछ बसा हुआ है हमारे दिमाग। तो जबकि हाथ हमारा जब चलेगा पेंटिंग करते हुए, तो इस हाथ का दिमाग से सीधा कनेक्शन, बस बीच में से जैसे आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में ये कैमरा आ गया बीच में, तो ये अगर कैमरे को बीच में से हटा दूँ और मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ, ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसे ही, क्यों एक टेक्निकल डिवाइस है, लेकिन हम लोग की बातचीत उतनी टेक्निकल होना ज़रूरी है।
तो जब पेंटिंग करते हैं उस वक्त भी कोई सब्जेक्ट, कोई थीम, कोई टेक्निकलिटी होना तब ज़रूरी होता है जब हमारी कोई पहले से ही डिमांड, पहले से ही कुछ सोच के रखा हो कि हमें यहाँ जाना है, डिसाइड करना है कि अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन जब पेंटिंग की जर्नी शुरू होती है तो एक जर्नी वो भी है कि घर से निकले और हमें मालूम नहीं हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है या हमें अमुक स्थान पर जाना है, बस हमें घर से निकलना है, खुले में निकलना है जहाँ हवा हो, जहाँ धूप हो, जहाँ रोशनी हो और जहाँ हमारे जैसे दूसरे लोग हों। तो कला की यात्रा भी ऐसी, तो हमारे हाथ में ब्रश है, हमारे सामने एक सरफेस है, ब्लैंक सरफेस है, उसको ब्लैंक नहीं रहने देना क्योंकि वो खाली है, खाली स्थान को भरना है। अब कैसे भरना है? रंगों से भरना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड रंगों से ही बना हुआ है। तो जो ब्रह्मांड रंगों से बना हुआ है तो वो जो खाली स्थान है अखड़ने लगता है। और ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ मटेरियल होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए, कलर्स होने चाहिए। आप लीजिए और दिमाग में कुछ मत रखिए कि आपको पेड़ बनाना है, कोई कपड़ा बनाना है, कोई जूता चप्पल बनाना है, कुछ भी दिमाग में मत रखिए। आप कलर लीजिए और उस पर अप्लाई कीजिए। बचपन की शुरुआत में ऐसे ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आर्ट समझना शुरू करता है, आकारों को समझना शुरू करता है, तो एक राउंड सर्कल बना देगा बच्चा, उसमें दो डॉट बना देगा, इधर थोड़े से ब्लैक करके कहेगा कि मैंने पापा बनाए, एक और दूसरा सर्कल बनाएगा, उसमें दो चोटियां बना देगा, बाकी सिर गज्जा छोड़ देगा, फिर भी कहेगा कि मैंने मम्मी बनाई, एक बिंदी लगा देगा वहाँ पर। एक सिंपल आर्ट, आकारों को उसने जिस तरह से समझा उस हिसाब से उसने एक्सप्लेन भी कर दिया, उतार भी दिया। यही एक शुरुआत है जर्नी किसी भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो दुनिया में, शुरुआत ऐसे ही होती है उसकी। लेकिन अगर उससे उस बारे में ज़्यादा बात ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा। उसके काम को देखो, जितना वो खुश हुआ, अगर उसने खुशहाल की है तो खुशी उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, उसकी आर्ट को आगे बढ़ाएगी। उसको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, कोई सलाह नहीं देनी है, बस उसको देखना है और वो इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी इन्जॉय की। ये जर्नी है किसी भी आर्टिस्ट की। अगर ऐसा किसी को हासिल हो जाए, दुनिया में सब लोग आर्टिस्ट हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कोई भी आर्ट कर सकता है। लेकिन मौका बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा, क्योंकि दुनिया में और भी हर्डल्स हैं, और भी बाधाएं हैं, ये करो, वो ना करो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। शायद हम खुशकिस्मत है कि हमारे माँ जब हम पेंटिंग्स कर रहे थे तो हमारे ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और वो देखते थे कि बच्चा है, इन्जॉय कर रहा है, खुश है, तो वो भी खुश होते थे हमें करते हुए देख के। उस खुशी ने हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से ही सेट थी। तो जब शशांक बचपन में कुछ पेंटिंग्स वगैरह करता था, मैं सिर्फ देखता था, वो खुश होता था, मैं खुश होता था, और उस खुशी ने ही उस काम में धीरे धीरे दिलचस्पी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो आज यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है कि आज उसका एक देश की बहुत जो खास आर्ट गैलरीज है उनमें से एक है, जहांगीर आर्ट गैलरी, बहुत नाम है इस गैलरी का, तो उसको वहां तक आने का अवसर मिला।